मदद करो छठी मैया, ये गुहार अभी फिलहाल इंसानों की क्यों? प्रकृति की पूजा के वक्त ही कुदरत के एक संदेश ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। आखिर छठ पर्व के मौके पर ही भगवान भास्कर धुंध में क्यों छिप गए? आखिर इसके पीछे प्रकृति का क्या संदेश है? क्या अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ हमें भारी नहीं पड़ रहा है? आज छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। प्रकृति की पूजा का ये पर्व भारत के बड़े इलाके में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, और यही नहीं, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और फिजी जैसे देशों में भी भगवान भास्कर की आराधना का पर्व मनाया जाता है। तो एक तरफ हम ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत सूर्य की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंसान की कारस्तानियों की वजह से कुदरत की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास छाई धुंध और इससे बढ़ती परेशानी इसी का एक उदाहरण है। इसकी वजह से जहां बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं कई हादसे भी हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये जो पूजा है, जहां हम उपासना तो करते हैं लेकिन प्रकृति के संदेश की ही कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं, और यही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करने से भी नहीं झिझकते। तो एक तरफ भगवान भास्कर की पूजा छठ के मौके पर की जा रही है, तो दूसरी तरफ धुंध के रूप में आखिर कुदरत लोगों को क्या संदेश दे रही है, ये सोचने वाली बात है। तो दिल्ली में स्थिति क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में धुंध और जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस तक लेने में परेशानी महसूस हो रही है। आम आदमी परेशान है तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दिल्ली जबरदस्त वायु प्रदूषण की चपेट में है, और आलम कुछ ऐसा है कि जो लोग दिल्ली वासी हैं वो परेशान हैं। आपको बता दें कि आज छठ का दिन था और जितने भी व्रती थे वो सूर्य को देखना चाहते थे, लेकिन दिन भर में सूर्य की किरण कहीं नहीं दिखी, सूर्य नहीं कहीं दिखे, और शाम के टाइम भी जब वो अर्घ देना चाहते थे उस समय भी उन्होंने वक्त देख कर सूर्य को अर्घ दिया, क्योंकि वो सूर्य को नहीं देख पाए। सुबह, दोपहर, शाम, स्थिति कोई भी हो, लेकिन आपको दिल्ली के दर्शन ऐसे ही रूपों में होंगे, यानी कि ये धुंध ही धुंध आपको देखने के लिए मिलेगी। ये धुंध नहीं बल्कि स्मोक है, ये जहरीली एक तरह से समझिए कि हवा है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनकी आंख, उनके आंख का जलना, उनका सर भारी होना ये आम बात है। अगर इस समय आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपको ऐसे तमाम मरीज मिलेंगे जिसमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो इस स्मोक की वजह से परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। खासकर वो जो दमा के मरीज हैं उनके लिए तो ये बहुत ही घातक भी है, जो आम इंसान है ऐसे में उसके लिए भी मुश्किल है। और आपको ये भी बता दें कि इसका कोई इलाज नहीं है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से मिलके इससे निपटना तो चाहती है, लेकिन ये दिल्ली का प्रदूषण कोई आज का नहीं है। आज भले ही ज्यादा हो गया हो लेकिन दिल्ली शुरू से प्रदूषण की चपेट में है। एक बार फिर से मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। ये जो तस्वीर दिख रही है वो उनकी है कि जो छठ मना के व्रती लौट रहे हैं, जो व्रत किए हुए थे, जो सूर्य का दर्शन करना चाहते थे उनको सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, और वहीं जो आम इंसान है वो परेशान है क्योंकि वायु प्रदूषण दिल्ली में सबसे ज्यादा है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली की जो तीनों एमसीडी हैं उन्होंने अपने स्कूल्स को 2 दिन पहले ही बंद कर दिया था, और आज दिल्ली सरकार ने भी 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया है, लेकिन जो वायु प्रदूषण है इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। फिलहाल जो दिल्ली वासी हैं वो परेशान हैं। कैमरामैन सदाशिव के साथ सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7 दिल्ली। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी, पर्यावरणविद, और आशुतोष हमारे सहयोगी नोएडा से, हमारे न्यूज सेंटर के बाहर से हैं। बीडी त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। आशुतोष, सबसे पहले ये बताइए कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है, और जो कुछ कहा गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि किया जाएगा, क्या वो पहल होती हुई जान पड़ती है, उस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़े? बिल्कुल अजीत, और विडम्बना देखिए आप कि आज हम प्रकृति की उपासना कर रहे हैं, भगवान भास्कर की हम उपासना कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, लेकिन इसी प्रकृति ने यहाँ पर जो विकराल रूप धारण किया है, जो हमें दिखाया जा रहा है, प्रदूषण की अगर बात करें तो पीएम लेवल दिल्ली की आबो हवा इस वक्त बहुत खतरनाक हो चुकी है। लोगों की बात करें, सर्वे बाद में आएंगे, हम तमाम लोगों से हमने बात किए हैं, करीब 10-15 लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ यहाँ पर कहना है कि देखिए छठ पर्व बाहर मनाया जा रहा है लेकिन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी हालत इस वक्त इतनी खतरनाक है कि वो घरों से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अगर जो लोग छठ पे घाट पर आए हुए हैं उनको फौरन जो है घर लेकर जाना पड़ा। मास्क की बात करें,
तो दिल्ली में मास्क की डिमांड काफी बढ़ गई है और यह हालत है कि मास्क मिल नहीं रहा है और जो मास्क मिल रहा है उसको दोगुना तिगुना कीमत पे आप खरीद सकते हैं। आबोहवा की बात करें तो बहुत ज्यादा खतरनाक है अजीत इस वक्त, और दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो टेम्पररी यहां पर समाधान निकालने की कोशिश बेशक किया जा रहा है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है हमें लेना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहां पर कह रहे हैं कि हम लौटेंगे फिर आपके पास बंद करेंगे। प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी, आप पर्यावरण विद हैं, पहले तो आपको शुभकामना छठ पर्व की। धार्मिक लिहाज से जिस तरीके से लोग सोचते हैं वो तो है ही, इसके साथ साथ आप वैज्ञानिक नजरिए से भी देखते हैं, कितनी चिंता होती है आपको इस तरह के हालात देखकर जो अभी दिल्ली में है और भी जगहों पर है, जिनकी पूजा की जानी है वो ही नहीं दिख रहे हैं, किस तरह की चिंता है आपकी इसको लेकर? दिल्ली देखिए हमारे देश की राजधानी है और वहाँ के वायु में इतना ज़्यादा प्रदूषक हो गए हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि दिल्ली में इसमें स्मॉग फॉर्मेशन हो रहा है। स्मॉग फॉर्मेशन में जो धुएं निकलते हैं वो धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और इसी के साथ साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो आते हैं ये बहुत ही जहरीले होते हैं, और ये हो क्या रहा है कि ऊपर के वातावरण में जा करके ये इकट्ठे हो गए हैं, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी समस्या वहाँ हो रही है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है, पहले PM10 की बात करते थे जो 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, उसकी मात्रा दिल्ली में जो भी रिपोर्टिंग है दिल्ली की वो बढ़ करके जो है 1200 से लेकर के 1500 1600 माइक्रोग्राम पहुंच गई, तो ये जो कई गुना वृद्धि हुई है, और इसी के साथ साथ स्मॉग का जो फॉर्मेशन हो गया है वो जब तक स्मॉग को हटाया नहीं जाएगा तब तक दिल्ली के ऊपर जो है इसी तरह के खतरे मंडराते रहेंगे, और खास करके इस समय सफोकेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति गैस चैम्बर की तरह से होती जा रही है, और इसमें हमें तुरंत सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी का मतलब हमारा ये है कि चाहे जो भी हो हमें प्रदूषकों को वायुमंडल से दूर करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है चाहे तो क्लाउड कंडेंसेशन की बात कर सकते हैं, इसकी बात की है केजरीवाल ने कि वो करेंगे, लेकिन इससे पहले जो गैस चैम्बर की बात की जा रही है, दिल्ली का दम घुट रहा है यहाँ पर, और जो स्थितियां हैं प्रदूषण की और उसको दूर करने के उपायों की, ये सब एक तरफ है और इस पर राजनीति दूसरे तरफ हो रही है। एक करना बंद जी बिल्कुल सर, इसरो की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो कहा जा रहा है कि दिल्ली के बाहर से जो दूसरे राज्य हैं वहां पर जो किसान खूंटी जला रहे हैं उसका असर हो रहा है, लेकिन इसरो ने साफ तौर पर यह कह दिया कि 80% जो है दिल्ली खुद जिम्मेदार है इसके लिए, 20% आप दूसरे राज्यों को कह सकते हैं इस बारे में। कल एक बैठक भी होनी है आशुतोष, इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है दिल्ली में अभी? बिल्कुल, मूल चीज पर कम ध्यान है, राजनीति पर ज्यादा। हम आपको बता दें तो दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि जो पंजाब से और हरियाणा से जो यहाँ पर पराली की बात कर रहे हैं, जो पुआल होते हैं उनको जलाया जा रहा है, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है कि जो पटाखे हैं उनकी वजह से असर हुआ है, और रही सही जो कोर कसर है वो पराली ने पूरी कर दी है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सरकार है दिल्ली गवर्नमेंट है वो अपनी बात को रख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हकीकत आपको ये बता दें अजीत, निश्चित तौर पर इस वक्त जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा चरम पर है, पीएम लेवल काफी बढ़ चुका है, जो स्तर है उसका काफी खतरनाक लेवल है, बच्चों को बहुत समस्या हो रही है, बुजुर्गों की बहुत समस्या हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI ये हाई लेवल पर है और ये चिंताजनक है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन अब की जा रही है। प्रोफेसर त्रिपाठी ये बताइए कि इन चीज जिस तरह से ये पॉकेट्स बना है ये एक दो दिन में बना नहीं होगा, पहले से ही हम प्रदूषण की मार झेल रहे हैं यहां पर दिल्ली में खास तौर पर, लेकिन अभी इस हद तक जाने की वजह क्या है? निश्चित जी, इस हद तक जाने का वजह है कि एक तो दीपावली का पर्व आ गया था, पर तमाम अनुरोध के बावजूद लोगों ने जिस तरह से आतिशबाजियां और पटाखे और शो करके अब तो जो त्योहार न हो गया, ये त्योहार जो है शक्ति प्रदर्शन के स्थल हो गए हैं, ऐसी स्थिति में लोगों को इस चीज से बचना चाहिए। और हमारा दिल्ली के प्रदूषण बढ़ने में एक और भी जो मुझे लगता है कि ये जो ऑड इवन कि जो बसें चलाई गई या गाड़ियां चलाई गई दिल्ली में, तो हुआ क्या था, इसके पहले जब CNG लागू किया गया तो CNG की सभी गाड़ियां हो गईं और एकाएक प्रदूषण का स्तर गिर गया था, और जितनी पुरानी गाड़ियां थी वो दिल्ली से सब बाहर चली गई थी, लेकिन जब ऑड इवन का फार्मूला लागू हुआ तो लोगों को चलना जरूरी था,
ऐसी स्थिति में ये जो हमारा मैनेजमेंट था उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लोग जा करके अगल बगल के प्रदेशों से और वो पुरानी गाड़ियों को आड इवेंट के चक्कर में कि रोज हमको चलना मिल जाए मिले और ऐसे उन्होंने गाड़ियां खरीदी और खरीद करके सस्ती गाड़ियों को दिल्ली में संचालन किया गया और जिसकी वजह से मुझे लगता है ये प्रदूषण का स्तर और बढ़ा है और स्मोक पर यदि अविलंब कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले दिनों में इसकी स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि अविलंब सरकारी और गैर सरकारी लोगों के द्वारा बात की जा रही है, किया जाना चाहिए। अब बात की जा रही है, अब कहा जा रहा है कि हम इस पर ध्यान देंगे और किस तरह के कदम हम उठाएंगे, इसकी घोषणा की गई है। पता नहीं उन घोषणाओं का क्या होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ आशुतोष भी हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी। आपको बताएं कि धुंध की वजह से यहां दम तो घुट ही रहा है दिल्ली वालों का, बाहर के सैलानी भी ताजमहल नहीं देख पा रहे। धुंध की वजह से ताजमहल भी अच्छे से दिख नहीं रहा है, वो छिप गया है धुंध में और इस कारण सैलानी काफी निराश हैं। ऐसे ही कुछ विदेशी सैलानियों से बात की हमारे संवाददाता विवेक पाठक ने। ताजनगरी आगरा में भी इस वक्त धुंध की चादर लिपटी हुई है और मान सकते हैं कि उसका जो मुख्य कारण है वो दिवाली के बाद से जो जिस तरह से लगातार प्रदूषण का जो आंकड़ा बढ़ा है उसके बाद कहीं ना कहीं आपातकाल जैसी स्थितियों में ताजमहल और आसपास यहां के इलाके देखे जा सकते हैं। इस वक्त हम सही ताजमहल से ठीक दूरी सामने ही खड़े हुए हैं कि यहाँ होटल की छत पर हम लोग हैं। यहाँ पर अमूमन इस तरह के होटलों से यहाँ पर ताज का व्यू का एक टेरिस व्यू का एक खासतौर से इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं जिसमें पर्यटक यहाँ पर अमूमन इस रोज और क्योंकि सीजन का टाइम है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सारे ही छतों पे लोग जहां बैठा करते थे आज एकदम खाली है, सुनसान है। क्योंकि अगर आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समय जब आप ताजमहल को गौर से देखना चाहेंगे तो चूंकि आज संडे का दिन है उसके बावजूद भी हालत यह है और क्योंकि धुंध का अगर आप अंदाजा लगाए तो देखिए आप इस वक्त 2:30 से 3 का समय है और इस वक्त भी ताजमहल धुंधला नजर आ रहा है। जो खूबसूरती को जो देखने के लिए लोग कई किलोमीटर दूर का सफर तय करके यहां तक आते हैं उनके हाथ में केवल निराशा हाथ में आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एक यहां पर्यटन व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, आगरा टूरिज्म फाउंडेशन डेवलपमेंट के हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं संदीप अरोड़ा जी। संदीप जी, एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सीजन का टाइम है, ऐसी स्थिति में ताजमहल के लिए लोग देखने यहाँ पे अमूमन देखा जाता था कि यहाँ पर्यटक बैठ के निहारा करते थे ताज को, आज बिल्कुल गायब है वो भी संडे वाले दिन। देखिए इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं लेकिन निश्चित रूप से ये जो स्मॉग का कहर है ये एक बड़ा कारण है और चूंकि खासकर सैटरडे संडे वीकेंड्स पर दिल्ली और आसपास एनसीआर के क्षेत्रों से जो पर्यटक यहाँ आया करते थे तो वो क्षेत्र भी स्मॉग की चपेट में है और आगरा भी, और चूंकि एक्सप्रेसवे एक बड़ा माध्यम होता था लोग उसको भी एंजॉय करते थे, सेम डे आते हैं पर्यटक तो वहाँ पर एक्सीडेंट की मात्रा एकदम से बढ़ गई है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उस वजह से भी पर्यटकों में डर बैठा है। और अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो वो तो बहुत अच्छे माहौल में रहने वाले होते हैं, वहाँ देशों का अच्छा हाल है तो चूंकि इस तरीके की एडवाइजरी, इस तरीके के नोट्स, इस तरीके के ब्लॉग्स तमाम जगहों पर लिखे जा रहे हैं, इंटरनेट पर ये छा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको उठा रहा है तो उसका असर भी ताज और ताज के पर आने वाले पर्यटकों की संख्या पर निश्चित रूप से पड़ा है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से ये जो फॉग है, जो प्रदूषण है, आज ये माना जाएगा सरकार की पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल है। देखिए TTZ निश्चित रूप से फेलियर साबित हुआ और मुझे लगता है कि जो हम लोगों के स्पेशलिस्ट थे जिस तरीके की रिपोर्ट्स थी वो क्षेत्र में ना आकर दफ्तरों में बनाई गई, उसी का नतीजा है कि ये बड़ा फेलियर सामने आया। अदरवाइज क्या वजह है कि इंडस्ट्री बंद हो गई, रोडवेज रोड्स बना दिए गए, तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ जारी की गई, तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए, उसके बावजूद प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और आपात स्थिति तक आ गई। तो इसका मतलब जो कदम उठाए गए वो निश्चित रूप से गलत दिशा में उठाए गए थे, प्रदूषण उन वजहों से था ही नहीं और जो मूल वजह थी वहाँ तक हमारी एजेंसीज पहुँच नहीं सकी और ना उनका निदान हुआ। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो आज प्रदूषण की वजह से जो स्थितियां बनी है कहीं ना कहीं आगरा के पर्यटन को, यानी आगरा का मतलब नहीं है ये, चूंकि लोग अगर ताजमहल आएंगे तो हिंदुस्तान में केवल ताजमहल का ही आकर्षण देखा जाता है और पूरे देश के लिए ताजमहल हमेशा से पर्यटन का पर्याय माना जाता रहा है। अगर ताजमहल की दीदार उनको इस तरह से होंगे तो आखिर कोई पर्यटक हिंदुस्तान में क्यों घूमने के लिए आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और TTZ का जो फेलियर है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की और अधिकारियों की मंशा के ऊपर सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा किया है। विवेक पाठक, India 24/7, आगरा। तो इस प्रदूषण पर आज चर्चा बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज छठी मैया की पूजा हो रही है। हम धरती की, पृथ्वी की, जल, अग्नि, वायु सबकी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन
ऐसी स्थिति में हम कहीं ना कहीं अपने सुविधाजनक जीवन जीने के तरीके में बदलाव न करके एक ऐसी अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं जिससे इसी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हालात आज यहां तक पहुंच गए हैं कि लोगों का दम घुट रहा है।